है। सर ट्राई कर रहा हूँ। सितेश यस सर। सर 19.5 डिग्री। 19.5 डिग्री। आई डोंट नो, लेट्स ट्राई, देखते हैं। सो सी, अगर मैं ऐसे फायर करूं तो मिस कर जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर फायर करूंगा तो इसको टच कर। कैसे पता करूं? बेसिकली आई नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द पॉइंट 20 20 लाइज ऑन दिस पैराबोला। तो कर्व का इक्वेशन इज y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर एंड इट पासस टू 20 20। तो 20 इज इक्वल टू 20a माइनस 400b। सो 20 कैंसिल, सो 20b इज इक्वल टू 20b इज इक्वल टू a माइनस 1। तो b इज इक्वल टू a, और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर एज इट, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो कितना हो गया, 1 is tan theta minus 20b, b is 10 upon 2 u square, u square is how much, 3600 cos square theta, cos square theta upar leke jao will become 6 square theta, 6 square theta is 1 plus tan square theta. So those zeros cancel, 2 gets cancel. So quadratic equation banega ye, 36 is equal to 36 tan theta minus 1 minus tan square theta. Calculator use kiya tha, kya use kiya tha? Badi jaldi answer nikala, to quadratic equation. ये तो बड़ा गंदा सा इक्वेशन बन गया, tan square theta minus 36 tan theta, tan square में चलते हैं, 35 is equal to 0. So tan theta का वैल्यू कितना है इसमें, minus b plus minus under root b square, 1296 minus 4ac, 140 upon 2. तो 36 प्लस और माइनस, प्लस तो नहीं करेंगे, दोनों चल जाएगा, प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, दो एंगल पे ऐसा होगा, एक एक इतना एंगल पे, एक और बड़े एंगल पे। 36 प्लस माइनस, ये सब कम किया तो 6 5 1 1 5, अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 1 1 5 6, ऐसा कैसे, अच्छा तो 1 1 5 6 का स्क्वायर रूट 34 अपॉन 2, so this is minus किया तो 1 और कितना जाएगा, 36 plus 34 कितना होगा, 60 35, so 1 और 35, तो theta का value 45 degree होगा और एक और angle आएगा, tan inverse 35, 88 87 degree के आसपास आएगा, tan inverse 35। चेक कर लो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन था। सर हम ये हाइट वाले इक्वेशन को रीअरेंज करके नहीं कर सकते क्या? क्या बोल रहा है? ये आंसर होगा ना, वही मैं कब कहा से होल नंबर है, 36 प्लस 137। सो 37 फोर जा इज हाउ मच, 37 फोर जा कितना हो गया, 140 में 140, तो 148 माइनस किया तो 1156 में 8 कम, 1148 1148 हो गए, राइट, तो 1148 हो गया, 1148 का स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर यूज करो ना, बता दे रहा 1148 का स्क्वायर रूट कितना था, यहां से कैलकुलेटर चला रहा सर, 2√287। अरे डेसिमल में बताओ ना, 36.8 मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, माइनस वाला मैं देखता हूँ, ये कर लो, प्लस वाला माइनस कितना जाएगा, 2.12, उसका आधा 1.06, और यहाँ पे 36 और 33 कितना हो गया, 69.88 कितना, 3 4.94। Now tan inverse 1.06 बता दो,
tan inverse 1.06 माइनस 12.78 माइनस है 46.6 डिग्री राइट, और 34.94 के लिए tan inverse करो तो कितना आएगा 89 के आसपास 88 कुछ आएगा 88.3 तो ये आंसर ठीक। तो या तो आपने 45 से थोड़ा सा ऊपर कितना ऊपर 1.6 डिग्री ऊपर रखना तो जाके इसके से बचेगा। अगर स्ट्रेट 45 ये तो 45 ही है ना, स्ट्रेट 45 मारोगे तो थोड़ा नीचे से चला जाए, तो यू हैव टू हिट इट मतलब फायर इट, यू हैव टू फायर एट द स्कैन एट एन एंगल स्लाइटली ग्रेटर देन 45 तो जाके वहां पर हिट करेगा। आया समझ में? यस सर। गुड, तो ये हो गया आपका कहानी किसका सर, मतलब कभी हम वो वाली वैल्यूज ले नहीं सकते ना, जैसे आपने 20 मीटर हमको वर्टिकल हाइट दी है या फिर वो मैक्सिमम, वो तो वो किसके लिए होता है जस्ट टचेस, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा एक पिलर है या वॉल है, ऐसा लिखो कितने एंगल पे फेंको कि जस्ट क्रॉसेस, अब हम ये यूज करेंगे ना 20 जो हमको हॉरिजॉन्टल ये जस्ट क्रॉसेस होगा तो मैं फिर ये वर्टिकल हाइट यूज करूंगा मैक्सिमम हाइट और इसका डबल यूज करूंगा रेंज के लिए ना, उसमें वेलोसिटी पता होगी आपको ना तो एंगल दिया होगा, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाके लगना चाहिए। यस सर। ओके ना, क्वेश्चन इज जो रियल क्वेश्चन है पूछते हैं एग्जाम में या टीचर्स भी कुछ कुछ पूछते हैं प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में। क्वेश्चन इज If I have fired at this can, 60 meter per second थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, ठीक है 40 कर देता तो 16 हाँ ठीक है तो मैं 40 कर देता हूँ थोड़ा। अभी मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं 45 डिग्री पे फायर करूँ तो will it hit the can? ये एंगल 45 आ रहा है, राइट? दिस इज 45। तो इसी लाइन ऑफ साइट पे, ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट पे फायर करूं तो हिट करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा। इफ क्वेश्चन इज इफ दिस इज फायर्ड अलोंग लाइन ऑफ साइट, दिस इज फायर्ड अलोंग लाइन ऑफ साइट एंड एट द सेम मोमेंट दिस कैन इज ड्रॉप्ड, दिस इज फायर्ड अलोंग द लाइन ऑफ साइट In the moment the bullet is fired, the same moment the can is dropped. Now will it hit? अब hit करेगा क्या? क्योंकि आप जानते हो, ठीक है? ये नीचे आएगा, तो ये भी तो साथ में नीचे आएगा, तो hit करेगा क्या? So question वापस repeat कीजिए, मैं disconnect हो गई। See, first question was, if I fire this projectile along the line of sight, ये line of sight, तो क्या hit करेगा? You said नहीं, why? Because due to gravitational pull, ये थोड़ा सा इधर घूम जाएगा, ये ऐसे जाएगा। Now my question is, if I fire it at the can along the line of sight, and the moment the bullet is fired, the moment, the same moment, the can is dropped. Now will bullet hit the can? अभी bullet can को hit करेगा क्या? Yes, this time it will hit. बड़ा interesting है। एक बार आपने यहाँ से fire कर दिया। Obviously sufficiently large velocity होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहीं गिर गया। Sufficiently large velocity है। If you have fired it at line, along the line of sight, and at the same moment you drop the can, इधर fire इधर drop the can, तो ये जाके इसको टकराएगा, 100% collide होगा। Now question is prove this. How will you prove this? इसको आप proof कैसे करोगे? You have fired along the line of sight, ठीक है? You fired along the line of sight and the moment the projectile is fired, bullet is fired, the same time, at the same instant, the can is dropped. Will it hit? The answer is yes. Now you have to prove it. I'll give you 5 minutes for this. Do it. Chahe toh hint bhi deta. Find the time which this projectile takes to
cover a horizontal distance of 20 meter. Check the vertical displacement of the bullet in that time and vertical displacement of the can in that time. And check what is their sum. सब बता दिया मैंने, अब आपको करना है. And I will give you 5 minutes for this. ये क्वेश्चन के बाद हम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हैं. हेलो टू काव्या. सर नहीं आ रहा. सर मैं समझ रहा हूँ. यस सर. ओके काव्या, यू आर ट्राइंग? नो. व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज 20, दिस इज 20. व्हाट इज दिस एंगल? अब ये मत बोलना ये एंगल भी नहीं मालूम. This is definitely 90. This is 45 degree. 20, 20. That means 45, 45. Okay. So, question is, how much time it will take to cover a horizontal distance of 20 meter? Time taken by bullet to cover a horizontal distance of 20 meter. कितना होगा? 2.8. हाँ, 20 upon 40 cos 45 degree, right? So this is half. This is 1/√2, √2/2, 1/√2, 1/√2 seconds is answer. So it takes 1/√2 seconds. Yes. Right? Yes, so. So 20 is the distance, horizontal component of the velocities, 40 cos theta, and throughout it will remain constant. So along horizontal direction, it takes a time equal to 20/40 cos 45. That is 2 cos 45, 1/√2, root 2 goes up, 1/√2. Now, vertical displacement of bullet in this time. Vertical displacement of bullet in 1/√2 seconds. ये निकाल के बताओ. आपके पास initial velocity है vertical direction में. You have acceleration in that direction. You have everything. I have always said that use minus 10 for upward as well as for downward motion. Because by acceleration is always 10 and downward. So it always take minus 10. Let it be upward motion, let it be downward motion. In every case, you must take minus 10. So 17.5. Exact value? Yes, sir. Okay. So S is equal to UT. 40 sine 45 into t, 1/√2, minus half into 10 into 1/2. So this is 1/√2, remember this is 20 minus 2.5, that is 17.5 meter. So this covers a distance of 17.5 meter in vertical direction, right? That means wo yahan pahuncha tha, ye 17.5 hai aur ye 20. Acha, now vertical displacement of can in this much time, vertical displacement of can in 1/√2 seconds. 1/√2 seconds mein can ka vertical displacement kya? What is vertical displacement of can in 1/√2 seconds? What is vertical displacement of can in 1/√2 seconds?
कैन का मोशन कैसा मोशन है? कैन तो ऑलरेडी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, यहां से ड्रॉप किया इसको, राइट? इसको ड्रॉप किया. मोशन ऑफ कैन इज ऑलरेडी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. हेलो, सर इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेंगे तो चलेगा कैन के? ऑब्वियसली जीरो लेना, बिकॉज यू हैव ड्रॉप्ड इट. When you drop a certain object, initial velocity is zero. So s kitna hai? Initial velocity is zero minus half 10 into t square. That is minus 2.5 meters. मतलब यहाँ से वो 2.5 नीचे आया और ये उस time में 17.5 ऊपर गए. What is that total? The total is 20. नहीं समझा? आ गया सर. सो जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 कवर किया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस डिस्टेंस ट्रेवल प्लस वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ दिस टोटल इज 20. दैट मींस हिट किया होगा ना, तभी तो वहां पहुंचा, नहीं तो पहुंचता नहीं था उतने टाइम में, राइट? Now, कितना कॉम्प्लिकेटेड सम लग रहा है, राइट? अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द टॉपिक विल मेक ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी इजी. जहां पे भी दो पार्टिकल्स एक साथ चल रहे हैं, तीन पार्टिकल एक साथ चल रहे हैं, ये सब चीजों, ये वाले क्वेश्चंस के लिए देयर इज अ डिफरेंट मेथड. उससे सम्स बहुत आसान हो जाते हैं. ये एक लाइन में सम सॉल्व हो जाएगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद. तो टॉपिक इज रिलेटिव मोशन. टॉपिक इज रिलेटिव मोशन. ये क्वेश्चन याद दिलाना, मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा बाई मेथड, बाई यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, राइट? ओके, नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेटिव मोशन कई डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान बना देता है. एंड नॉट ओनली दैट, वन शुड फील, इफ यू रिमेंबर, I started the first chapter, which was motion along straight line, with a statement that motion is not absolute. Motion is a relative word. What? Motion is not absolute. Instead, it is a relative word. Right? ये statement feel करना बड़ा important होता है. And all of you must have felt this statement at some instant. Many of you might have felt it while sitting in a train. While sitting in a train, when we see another train in adjacent platform, and when it starts moving, the train starts moving, we get a feel, or we start feeling that our train has started moving in opposite direction. No? Yes, sir. कभी नहीं feel किया? हाँ sir. आप कभी अब train में बैठोगे तो आपने कभी ना कभी जरूर feel किया होगा. Adjacent platform में दूसरी train start होती है, हमको लगता है हमारी ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में स्टार्ट हुई. फिर बहुत ध्यान से आदमी नीचे ग्राउंड की तरफ देखता, अच्छा नहीं नहीं ये हमारी ट्रेन नहीं, ये उनकी ट्रेन जा रही है, राइट? सो सपोज ये ऊपर से देख रहा हूं मैं, यहाँ पे एक मेरी ट्रेन है और यहाँ पे दूसरी ट्रेन है, राइट? व्हाइल सीइंग फ्रॉम द विंडो, दिस ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग टू राइट, व्हाट आई सी इज, अरे ट्रेन हैड, माय ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग टू लेफ्ट. देन टू रीकन्फर्म, टू कन्फर्म I need to see the ground. For ground देखने के बाद समझ में आता, अरे नहीं 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 वो चलिए मैं रुका हूं, राइट? ओके, अनदर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छी लग्जरी बस में, वोल्वो मतलब एक अच्छी लग्जरी बस है, उसमें आप बैठे हुए, राइट? एंड इट इज मूविंग विद 80 मीटर पर सेकेंड. यू डोंट गेट फील ऑफ वेदर इट इज मूविंग 80 और 40 और 60 और 100. आपको पता लगता है क्या? नहीं सर. At the same time, if you are sitting in a old bus, maybe state transport ka bus hai, not very well maintained,
तो वो 40 में भी चलाएगा तो यू गेट अ फील ऑफ इट. क्यों ऐसा सर? क्योंकि जो एक्चुअली बस उसका वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होगी. क्यों कांस्टेंट स्पीड पे वो भी चला रहा है? वो कौन सा ऊपर नीचे कर रहा स्पीड का? तो आंसर टू दिस इज ह्यूमन बॉडी इज नॉट स्पीडोमीटर, इट्स एन एक्सीलरोमीटर. ह्यूमन बॉडी का तो स्पीड पता ही नहीं चलती. मुझे तो स्पीड का पता ना वॉल्वो में लग रहा है, ना स्पीड का पता मुझे किस में लग रहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में, राइट? तो फिर मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे एक्चुअली एक्सेलरेशन पता चल रहा है. आप बोलोगे एक्सेलरेशन तो आपने बोला सर है ही नहीं, एक्सेलरेशन था, स्पीड नहीं बढ़ रही थी. अभी रोड में अचानक से खड्डा आ गया, राइट? तो जब खड्डा आएगा तो आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? हेलो. हाँ सर. तो यू गेट अ फील ऑफ एक्सेलरेशन जिसको हमने बचपन से अपने दिमाग में बिठा रखा है. अरे बहुत स्पीड से जा रही थी तो पूरे झटके लग गए, पूरा बॉडी पेन कर रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा. बट दैट इज नॉट एक्चुअली स्पीड विच यू हैव फेल्ट. देन व्हाट इट वाज? इट वाज एक्सेलरेशन वी हैव फेल्ट. नहीं समझा? हेलो. समझा सर. अब वो वॉल्वो बस थी जो अच्छी बस है, उसमें सस्पेंशन अच्छे होते हैं, तो उसमें खड्डे आए कुछ भी आए वो इतना ज्यादा जर्क नहीं देता. तो वो एक्सेलरेशन उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इतना ज्यादा चेंज नहीं होती. तो हमको लगता है जैसे कार बस चली नहीं रही है, ऐसे रुकी हुई है, राइट? बट इफ इट वॉज अ स्टेट ट्रांसपोर्ट बस मेंटेन्ड नहीं है, सस्पेंशन बहुत अच्छे नहीं है, तो सस्पेंशन अच्छे नहीं है तो एक खड्डे में जाती तो इट गिव्स अ फील. हाँ भाई गई खड्डे में, पूरी बॉडी मेरी फील करेगी. ओके. तो ह्यूमन बॉडी इज एक्सेलरोमीटर. ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फील स्पीड. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया है. ह्यूमन बॉडी कैन नॉट, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फील स्पीड, कैन फील फील एक्सेलरेशन. वी कैन फील एक्सेलरेशन. आप यकीन मानो आप बस खड़ी है या बस कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है आपको पता भी नहीं लगेगा. चलो कभी ट्राई टू रियलाइज इट व्हाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट. आप लिफ्ट में खड़े रहना, आग बंद करके रखना, लिफ्ट में खड़े रहना, ठीक है? जैसे ऊपर चलना स्टार्ट होती लिफ्ट तभी यू विल गेट अ फील ऑफ इट. जैसे लिफ्ट ऊपर जस्ट स्टार्ट होती तभी आपको फील होगा. फिर एक बार लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है आपको उस कोशिश करना फील करने की, आपको कुछ फर्क नहीं पता चला लिफ्ट ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो. अनलेस अंटिल यू सी दैट रेड एरो शोइंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ग्रीन एरो शोइंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, यू वोंट कम टू नो इन विच डायरेक्शन द लिफ्ट इज मूविंग. फिर पता कैसे चलता है? द मोमेंट इट स्टार्ट, उस मोमेंट जब वो स्टार्ट होती है लिफ्ट तभी पता चलता है. जब स्टार्ट होती है ना अपवर्ड डायरेक्शन में तो यू फील हैवी, लगता है अरे किसी ने ऊपर धक्का दिया. When it starts in downward direction, लगता है अरे किसी ने नीचे से फ्लोर हटा दिया, हल्का फील होता है. तो acceleration we can feel, but we cannot feel speed. चलो ठीक, ये कहानी खत्म. तो I used to wonder कि फिर हमको स्पीड का पता कैसे लगा? यूनिवर्स में आप जा रहे हो, यूनिवर्स में आप स्पेस में, आपकी जो स्पेस शिप है या जो भी है वो 10 meters per second से चले, 100 से चले, 200 किलोमीटर पर सेकंड से चले, या लाइट की स्पीड से चले जो चल नहीं सकते 3 lakh km/s से, आपको फील ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप चल रहे हो या रुके हो. हेलो. यस हाँ सर. आप मन में सोच के देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा. आई यूज टू क्लोज माई आईज एंड थिंक हाँ एयर स्पेस में बैठा हूँ और चल रही है, धीरे चल रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो जब स्पीड बढ़ रही होगी तब मुझे पीछे की तरफ पुश लग रहा होगा तो आई कैन फील. बट अगर वो कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है तो मुझे तो पता ही नहीं लगना है. एंड वाकई आपको पता नहीं चलेगा वेदर इट इज इन मोशन और इट इज एट रेस्ट. फिर पता कैसे लगेगा? पता लगेगा जब एक ऑब्जेक्ट बाजू से निकलेगा मेरे, ये मेरा स्पेस शिप है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे बाजू से निकलेगा, इधर निकल गया, राइट? जब ये ऑब्जेक्ट मेरे इधर से निकलेगा
तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं चल रहा हूं या रुका हुआ हूं। ठीक, मेरे बाजू से एक ऑब्जेक्ट जब इधर निकलेगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं राइट साइड जा रहा हूं, नहीं कि नहीं पता चलेगा? चलेगा सर। तब मुझे पता चलेगा कि मैं राइट में जा रहा हूं, राइट ना? कि किसी को डाउट है इसमें? ये डिस्कशन में तो पार्टिसिपेट करो। नो सर। सॉरी, किसी ने बोला नहीं? नहीं, डाउट नहीं है। तो डाउट आना चाहिए था। ये बाजू में से निकला, तुमको कैसे मालूम कि तुम चल रहे हो कि या वो इधर चल के गया? हाउ विल यू नो? विल कम टू नो दैट। हेलो, डाउट आपको आना चाहिए था। एक साइड में से ऑब्जेक्ट आपके निकल के गया, लेफ्ट निकल के गया, तो यू कंक्लूडेड दैट यू वर मूविंग एट राइट। अरे हो सकता है आपका स्पेसशिप वहीं खड़ा हो, वो लेफ्ट निकला तो वो इधर निकला, आपको कैसे मालूम? पता चलेगा आपको? नहीं सर। फिर नहीं पता चलेगा, फिर मजाक हो गया। तो यही है, मोशन इज रिलेटिव। आप चल रहे हो, वो चल रहा है, कौन चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट? यस सर। तो सबसे पहली चीज यही बता दूं आपको, मोशन इज रिलेटिव। आप चलो या वो चले, क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए वो चल रहा है, उसके लिए आप चल रहे हो। ग्राउंड फ्रेम में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता ये, यहां पे अर्थ पे सोचने से उतना मजा नहीं आता। स्पेस में जब सोचोगे ना तो बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। जब बड़ा लार्ज स्पेस है, आजू बाजू में सिर्फ अंधेरा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप स्टेशनरी समझ रहे हो, तभी आप मन में सोचो इधर मैं चला रहा हूँ, स्पेसशिप चल रहा है कि नहीं, वो भी मुझे मालूम। वो मुझे तभी मालूम चलेगा जब स्पीड बढ़ेगा या घटेगा या टर्न लेगा। अगर स्ट्रेट जा रहा है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज स्पीड एक्सेलरोमीटर। इट कैन फील एक्सेलरेशन, इट कैन फील फोर्स, इट कैन नॉट फील द स्पीड। ठीक, पता तो तब चलता है जब हवा लगती है चेहरे पे, चलो वहां तो हवा है नहीं, पता तब लगता है जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बिल्डिंग्स बाजू से निकलती, अब वहां पे बिल्डिंग्स भी नहीं है बाजू में, तो पता तब चलेगा जब बाजू में से कोई ऑब्जेक्ट निकले, तो फिर भी नहीं पता चलेगा। हो सकता है वो चल के जा रहा हो। यस, इफ समबडी कंफर्म्स कि वो रेस्ट पे है तो डेफिनेटली आई कैन से कि आई एम मूविंग। अगर वो जो बाजू में से ऑब्जेक्ट निकला मेरे, अगर वो कोई मुझे बता दे नहीं नहीं अरे दैट इज एट रेस्ट, दैट ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, देन आई कैन बी श्योर कि ये दैट। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोच, एक ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है, आपको लग रहा है आप जा रहे हो, सकता है आप वहीं खड़े हो, आपको लग रहा है कि आप जा रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, सामने से आ रहा है। स्पेस में इतनी इतनी ज्यादा फील होती है इस चीज की, क्योंकि स्पेस में कुछ भी रेफरेंस के लिए नहीं है, राइट? यहाँ पे तो आजू बाजू में पेड़ है, बस है, ये है, स्कूटर है, खड्डे आ रहे हैं, तो इतना एक्सेलरेशन होता है कि एवरी इंस्टेंट देयर इज एन एक्सेलरेशन, तो वी गेट अ फील ऑफ इट। वहां कुछ नहीं होता स्पेस में, स्पेस में देयर इज नथिंग, सब एक जो चल रहा है स्ट्रेट पाथ में चले जा रहे। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो मोशन का पता कैसे चले? और ठीक है, ये मोशन मतलब मैं ही मूव कर रहा हूँ, कितनी स्पीड से मूव कर रहा हूँ, हो सकता है ये भी चल रहा हो, मैं भी चल रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है? सो दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अनलेस अंटिल यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन। सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज नॉट ऑब्सोल्यूट। इफ यू रीड द बुक दे हैव रिटन अ स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एट द सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। किसी के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हर चीज चल रही है, हर चीज रुका हुआ है। ऑल राइट, इनफैक्ट टू बिगिन विद चैप्टर स्टार्ट ही मैंने इसी से किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने बोला था देयर इज अ टेबल नियर यू, वेदर इट इज एट रेस्ट और इन मोशन, यू सेड इट इज एट रेस्ट, देन I'd asked, go and see it from the space. Space में जाके देखो उस object को क्या कर रहा हो। तो you said नहीं नहीं सर चल रहा है। It is moving around sun. नहीं।
तो हर ऑब्जेक्ट चल रहा है, हर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑब्सोल्यूट रेस्ट में हो या ऑब्सोल्यूट मोशन में हो, ऐसी कोई चीज होती नहीं। देयर इज नो ऑब्सोल्यूट वर्ड इन केस ऑफ मोशन, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। अब आते हैं छोटे छोटे एग्जांपल्स जो ग्राउंड में। ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, दिस कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन एंड देयर इज अ चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग, राइट, एंड देयर इज अनदर चेयर ऑन विच वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज सिटिंग, राइट, लेट्स नेम देम एज पी क्यू, देयर इज अनदर मैन वॉकिंग एंड टुवर्ड्स दिस, ये वॉक कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेन भी चल रही है, दिस ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग, और इधर पे एक कार जा रही है, कार सी, दिस इज ट्रेन टी, दिस इज आर। सर हाँ, ट्रेन के पटरी पे कैसे चल रही है? मैंने डिजाइन करी बेटा, वो चलती है सब पे, चल पानी पे भी चला के दिखाता हूँ, रुक जाओ, रुक गया, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेन भी जा रही 20 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में कौन चल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कौन नहीं चल रहा है? ट्रेन पी के रिस्पेक्ट में चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं सर, नहीं चल रही है, राइट, क्यू के रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है नहीं चल रही है? नहीं सर, नहीं चल रही है। आर के रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है नहीं चल रही? हाँ सर, नहीं चल रही, चल रही, नहीं सर, चल रही है। आर तो बोलेगा ना, मैं तो खड़ा था, ट्रेन का वो सामने वाला वॉल मेरे पे आ गया, मतलब ये ट्रेन चल रही होगी ना बाहर। सर कैसी बातें कर रहे हैं यार, कैसे चल रहा है जब एनर्जी वर्ड ही नहीं पढ़ा तो एनर्जी तू बीच में कहां से लेके आया? अरे नहीं चल रहे यार, इधर रोलर स्केट्स लगे हुए हैं, मैं उसको नहीं पता चल रहा, चल ये मैंने उसको स्केटबोर्ड पे बिठा दिया, स्केटबोर्ड कोई दूसरा आदमी खींच रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड, अब उसको कैसे पता चले, और उसके आंख में पट्टी बांध रखी, अब कैसे पता चले, अब उसको कैसे पता चले कि वो चल रहा है? ठीक है, उसको तो ये पता चल रहा है, उसको तो ये पता चलेगा कि थोड़ी देर में ट्रेन की ये वॉल इसको टच कर गई, तब उसको लगेगा क्या ट्रेन चल रही है, मैं क्यों चल रही, मैं वही तुमको सबसे पहले फील कराने की कोशिश करी कि ह्यूमन बॉडी इज एक्सेलरोमीटर, बिलीव मी, जो आपको पता लगता है ना, नहीं नहीं मैं भाग रहा हूं, नहीं नहीं मेरी बस चल रही है, वो इसलिए क्योंकि आप एक्सिलरेशन फील कर रहे हो, अगर वो जर्क नहीं लग रहे होते, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो आप कभी फील भी नहीं कर पाते। एंड मैंने ये रियलाइज किया है, आई हैव रियलाइज्ड इट, जब नया नया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना था, वो सिटिंग है ना वॉल्वो बस, मैंने बड़ी कहानियां सुन रखी थी, वो 120-140 की स्पीड से चलाते हैं, जस्ट लॉन्ग टाइम बैक, आज के दिन में वो नॉर्मल बात है, बट हमारे टाइम में 100 किलोमीटर पर आवर वॉज अ बिग डील। मैंने सुना था 140 की स्पीड से चलाते हैं, मैं बैठा था बस के अंदर, मुझे फील ही नहीं आ रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था चल रही है बस, मैंने कहा ये इतनी स्पीड तो नहीं चल रही जितनी यहाँ पे लिखा हुआ था। देन आई ट्राइड ऑब्जर्विंग द ट्रीज नियर बाय, वो जिस स्पीड से निकले तब मुझे रियलाइज कि ट्री तो नहीं चल रहा होगा, चल तो अपन ही रहे, तब जाके मुझे फील आया, फिर एक्चुअली आई पीप्ड इनटू स्पीडोमीटर ऑफ मतलब बस, तो देखा मैंने वाकई वो 120-130 की स्पीड से जा रहा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा ना स्पीड का, हमको पता नहीं चलता। अब आप चल रहे हो, आप बोलते हो ठीक है चलो, मैं कहता हूं नहीं चल रहा यार, स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड पे व्हील्स लगे हो, समबडी एल्स, समवन एल्स स्पीड, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको फील तो नहीं हो रहा कि आप चल रहे हो, नहीं आपको ये दिखाई देगा वो वॉल सामने आ रही है, ये जो है ना आप एक्चुअली आगे जा रहे हो, बट आपको थोड़ी ना फील होना, आपको तो लगेगा ये आगे आ रहा है। तो फॉर यू दिस ट्रेन वॉज मूविंग, पी के लिए क्या हो रहा था, पी के लिए क्यों नहीं चलता हुआ दिख रहा ट्रेन, क्यों नहीं फीलिंग आ रही, बिकॉज ना तो ये साइड ना कोई उसको अप्रोच कर रहा है, ना कोई उससे दूर जा रहा है, तो फॉर पी दिस कंपार्टमेंट वॉज एट रेस्ट, फॉर क्यू दिस कंपार्टमेंट इज एट रेस्ट, फॉर आर दिस कंपार्टमेंट इज इन मोशन,
राइट आ रहा समझ में? हाँ सर। तो P के लिए रेस्ट पे है कंपार्टमेंट, Q के लिए सो ट्रेन इज ट्रेन किसके लिए चल रही है किसके लिए रुकी? एक आदमी और ले लेता हूँ, टाइम है ना आपको सर? एक और ड्राइवर पहले ड्राइवर रुक जाते बच्चे, किसी को ड्राइवर बना लेना। यस तो कार सॉरी ट्रेन का पी क्यू पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस ट्रेन का पी क्यू आर एस। हाँ ट्रेन के लिए ट्रेन कोई लॉजिकल है? ट्रेन के लिए तो ट्रेन नहीं चल रही, ठीक है। कार के लिए ट्रेन चल रही है क्या? हाँ सर। इस ट्रेन इन मोशन फॉर कार? नहीं सर नहीं चल रही। सॉरी सर नहीं चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही। व्हाई व्हाई इज नॉट मूविंग? सेम डायरेक्शन सेम है स्पेस में अगर होते ना। कहाँ? ये भी 20 इधर जा रहा है, ये भी 20 इधर जा रहा है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको फील ही नहीं आएगा। अगर आप स्पेस में होते ना, आप एक व्हीकल के अंदर सामने एक स्पेसशिप है, वो दोनों आप ही की डायरेक्शन में, आपको लगता ही नहीं था कि वो चल रहा है या मैं चल रहा हूं। तो ये अगेन इज एट रेस्ट। पी के लिए एट रेस्ट, क्यों? क्योंकि पी भी वही डायरेक्शन में जा रहा है उतने स्पीड से। क्यू के लिए दिस इज एट रेस्ट। आर के लिए इट इज इन मोशन, नॉट एट रेस्ट। व्हाट अबाउट एस? एस इज पर्सनली एट रेस्ट। एस एक बाहर बंदा खड़ा हुआ, उसके लिए क्या हो रहा होगा? उसके लिए कंपार्टमेंट चल रहा है। क्यों? उसके और कंपार्टमेंट के बीच का डिस्टेंस कम होता फील हो रहा है उसको। यू कैन सी दैट द डिस्टेंस। सॉरी वो जा क्यों नहीं रहा मुझसे? नहीं जा रहा है, मेरा क्वेश्चन है, मेरी मर्जी। कैसी बात कर रहे तू? तुझे भागना है क्या हर जगह? बाजू में एक पार्क है, बस वहीं वेट कर रहा हूं उसका। चलो तो सी, व्हाट अबाउट कार? कार ट्रेन के लिए रेस्ट पे है? ये कार जो है ट्रेन के लिए रेस्ट पे है या चल रहा है? हाँ सर रेस्ट पे, रेस्ट पे। सर चल रहा है रेस्ट पे। भाई ट्रेन के लिए कंपार्टमेंट के लिए कार जो है डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा ना, सो ट्रेन रेस्ट पे। कार के लिए कार चल रहा है या रेस्ट पे है? वो तो इलॉजिकल बात हो गई, रेस्ट पे। P के लिए कार चल रही है कि रुकी हुई है? P के लिए रुकी हुई है, रुकी हुई है सर, रुकी हुई है, वापस रुकी हुई है। Q के लिए कार रुकी हुई है, रेस्ट पे रुकी हुई है। R के लिए कार मोशन में, मोशन में चल रही है। S के लिए कार मोशन में। ट्रेन के लिए P क्या कर रहा है? चल रहा है, रुका हुआ है? P का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, रुका हुआ है। कार के रिस्पेक्ट में P रुका हुआ है, P के रिस्पेक्ट में P रुका हुआ है, Q के रिस्पेक्ट में P रुका हुआ है, R के रिस्पेक्ट में P चल रहा है, R के रिस्पेक्ट में P चल रहा है, S के रिस्पेक्ट में P वो इसमें भी चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। इन ऑल टुगेदर आपको समझ में आ गया, राइट? या और एक्सप्लेन करूं? समझ में आ गया ना? ओके। सो क्वेश्चन इज, पहले हमको तो बोला था जो चल रहा है वो चल ही रहा है, जो रुका हुआ वो रुका ही हुआ, ऐसा क्यों था और अब क्यों बातें बदल रही थी? सो यहाँ पे कहानी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किस फ्रेम में आप देख रहे हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। The frame of reference. Frame of reference is what? Set of objects with respect to which we study the motion of any particle. ठीक है, that is frame of reference. Yeah. हम क्या करते हैं? जैसे कार है, कार है, ये ट्रेन कंपार्टमेंट है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, या there is a tree, right? There is a ट्री नियर बाई या पिलर है कुछ नियर बाई, तो ये सब समझो ये मूविंग कार। इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको मोशन किसी का स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे?
इसके ऊपर x और y एक्सिस को फिट कर देंगे. I'll fit x and y एक्सिस on this. अगर इसके रिस्पेक्ट में करना है तो I'll fit x and y एक्सिस on this. I'll fit x and y एक्सिस on this. So it depends. You want to study the motion of any particle with respect to whom. तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको स्टडी करना है हम उसके ऊपर x और y एक्सिस को बांध देते हैं. ये ओरिजिन यहाँ बांध दिया और x. सॉरी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. मैं तो x एक्स मतलब ये सब आपके ऊपर रहता है. आपका मूड है आज तो इसको x एक्सिस लेना तो इसको x एक्सिस ले लो. अभी तो कुछ दिन पहले जो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर x axis and y axis is your choice. You can take anything as x axis. Just a minute, wait. Hello. Haan, sir. तो x और x y axis तो आप कहीं भी ले लो. आपको क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उससे coordinates ऑर्डिनेट सब बदल जाएंगे. So anyway, so frame of reference, जिस object, जिस चीज को के respect में आपको किसी particle का motion study करना है, you fix up origin and that and choose a suitable x and y axis, right? ये train के respect में study करना है, तो इसको इसमें आप x और y axis बांध लो, origin है, ये इसके साथ चल रहा है, ठीक है? आ रहा है समझ में? Okay, now, so let me take few questions. Suppose there's a man who is walking towards left with 1 meter per second. There is a compartment, train compartment है, and train itself is moving with 5 meter per second, and man is walking inside it at 2 meter per second with respect to train. Right. So there's another issue. ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में 3 चल रहा है, ये 2, और ट्रेन 2 से चल रहा है, राइट? और ये 1 से चल रहा है, राइट? यस सर. आर एस तो का दिस मैन इज p, दिस मैन इज q, दिस मैन इज r, दिस इज ट्रेन t. नाउ क्वेश्चन इज मैन is train moving with respect to p? Yeah, what does is train moving with respect to p? Yes sir. Yes. Okay. अब मुझे बताना है आपको कि what is velocity of train with respect to p? आपने क्या बोला p के लिए train चल रही है तो train की velocity क्या है p के लिए? What is velocity of train? 1 meter per second to right. 1 meter per second to right. कैसे पता चला आपको? So we'll see a small derivation or explanation. Velocity of train with respect to p is velocity of train with respect to some third frame minus velocity of p with respect to some same frame. यहाँ पे वो frame कुछ भी हो सकता. Let us denote by f. तो मैंने क्या बोला? Velocity of t with respect to p is velocity of t with respect to f minus velocity of p with respect to f. वो f frame जो है वो कुछ भी हो सकता है. In this case, you have chosen ground as the frame of reference. तो आपने actually velocity of train with respect to ground notice किया, it was plus 2. Velocity of p with respect to ground notice किया, it was plus 1, and your answer was 1. This is what you have done. Though you have not formulated in your mind, but actually you have done this. ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? Velocity. उसको बोलते हैं relative velocity. ये जो लिखते हैं ना, this is relative velocity. Relative velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to some other frame C minus velocity of B with respect to the same frame C. ये कहानी है, ठीक है? तो अगर मैं अब आपसे पूछूं, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ, हाँ, अब वो सवाल कि अब तक ये सब क्यों नहीं सिखाया हमको? बिकॉज़ एवरी टाइम
we used to study the motion with respect to ground, ground ke respect mein, aur ground bhi humne assumption liya tha ki ground is at zero. To yahan pe ground likh do, ground likh do. To ground likh diya to zero hai, to isko mention karne ki zarurat hi nahi hai. Bhai abhi tak aap kya bola tha, velocity of a, abhi jo bol rahe with respect to ground, sorry b, pehle humko bolte the velocity of a with respect to ground. तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इस सब जगह पे जहां जहां बी लिखा हुआ है और जहां एफ लिखा हुआ, सब जगह पहले बी की जगह ग्राउंड कर दो, बी की जगह ग्राउंड कर दिया, फिर एफ की जगह भी ग्राउंड कर दो, तो ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो जीरो ही है, तो दूसरे की जरूरत ही नहीं थी, हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने कभी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड बात ही नहीं की, हमने खाली वेलोसिटी ऑफ ए बोल दिया. Right, because ground is always at zero, right? तो हमने पहले भी relative motion ही पढ़ा था, but the thing was कि ground के respect में था and ground is considered as rest. तो हमने मान लिया था ground rest. मेरे लिए rest है तो हर किसी object के लिए आजू बाजू में rest. Otherwise पहले भी हम relative motion ही पढ़े थे. Okay. So where were we? हाँ. तो ये हो गया. अब रहो. चलो ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फ्रॉम वेयर वी गेट दैट फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू थर्ड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम. ओके, और एक्सेलरेशन और बहुत कुछ पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज डू नॉट मिस द लेक्चर. नेक्स्ट क्लास में सब डिस्कस करेंगे हम. यस सर.